मारो इसे और मारो इसे, ये इसी लायक है। अरे मारो गया रे। सरपंच जी, कालिया को चोरी करते हुए हम सब ने रंगे हाथ पकड़ा है, अब इसे गांव से बाहर निकाल देने में ही हम सबकी भलाई है। तो देर किस बात की है, अभी इसे धक्के मार के इस गांव के बाहर का रास्ता दिखा दो। अरे सरपंच, ऐसा मत करिए, मुझे एक मौका और दीजिए, मैं दोबारा कभी चोरी नहीं करूँगा। लेकिन गांव वाले उसकी एक नहीं सुनते और उसे मार मार के गांव की सीमा के बाहर निकाल देते हैं। मेरे कमर दर्द के मारे मेरी जान निकली जा रही है। कमबख्तों ने जम के धुलाई की है मेरी। अरे भगवान करे इनके गांव में भूचाल आ जाए, धरती फट जाए और सब गांव वाले उसमें समा जाए। चलते चलते कालिया जंगल में पहुंच जाता है। उसे वहां एक प्रयोगशाला दिखाई देती है। अरे इस जंगल में ये अजीब सा दिखने वाला घर किसने बनाया है, चल कर देखना पड़ेगा। कालिया प्रयोगशाला के पास चला जाता है। दो वैज्ञानिक प्रयोगशाला में बातें कर रहे होते हैं। बधाई हो डॉक्टर चमन, आखिरकार हम दोनों ने मिलकर एक ऐसी घड़ी का आविष्कार कर लिया है जिसे पहनकर कोई भी इंसान गायब हो सकता है। हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा डॉक्टर जर्माटो, अब कल सुबह ही हम इस जंगल से निकल जाएंगे, लेकिन उससे पहले आज रात के खाने का बंदोबस्त करते हैं। हाँ हाँ, मुझे तो बड़ी जोरों से भूख लगी है, चलो चलते हैं। दोनों वैज्ञानिक वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही कालिया प्रयोगशाला में दाखिल होता है। अच्छा तो ये बात है। कालिया बड़े से कांच के अंदर रखी घड़ी को बाहर निकाल लेता है और अपनी कलाई पर बांध लेता है, फिर घड़ी में लगा बटन दबा देता है। कालिया को एक जोरदार झटका लगता है। कालिया अपने आप को आईने में देखता है तो उसका पूरा शरीर पूरी तरह से गायब हो चुका होता है। अब तो जो चाहे वो कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं उन सभी को सबक सिखाऊंगा। गांव वालों, मैं आ रहा हूँ। कालिया गांव की ओर चल पड़ता है। थोड़ी देर के बाद दोनों वैज्ञानिक वहां आते हैं। अरे ये क्या, लगता है कोई हमारी घड़ी चुरा कर ले गया है। ये देखो पैरों के निशान, अब क्या होगा, अगर वो घड़ी किसी गलत हाथों में पड़ गई तो अनर्थ हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, हमारी घड़ी में जो बैटरी लगी है ना, वो सिर्फ 24 घंटे चलेगी, उसके बाद वो घड़ी काम करना बंद कर देगी। उधर दूसरी तरफ गांव में सरपंच अपने घर में सो रहा होता है, तभी एक आहट से उसकी नींद खुल जाती है। अरे कौन है, कौन है वहाँ? बड़े मजे से सो रहा है, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कालिया पास में पड़ा डंडा उठाकर सरपंच की पिटाई शुरू कर देता है। ये ले और ये ले, इसी लायक है। अब मर गए। अरे अरे ये क्या हो रहा है, अरे अरे कोई बचाओ मुझे, मेरे घर में भूत आ गया है। सही कहा, मैं भूत ही तो हूँ, ये ले। अरे भूत जी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, मुझे छोड़ दीजिए, आपको क्या चाहिए? तेरे घर में जितना भी पैसा है ना, मुझे ला कर दे दे, तब मैं तुझे छोड़ दूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा। सरपंच अपनी तिजोरी से पैसे निकाल कर एक बड़े कपड़े में बांध कर जमीन पर रख देता है और कालिया वो सारा पैसा लेकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जमींदार गांव के चौराहे पर खड़ा कुछ लोगों से बात कर रहा होता है। इस कमीने जमींदार ने भी मुझे बहुत पीटा था, इससे भी बदला लेना तो बनता है। जमींदार अचानक अपने आप को चांटे मारने लगता है। अरे भाई ये क्या हो रहा है, जमींदार साहब अब ठीक तो है ना? अरे मुझे नहीं पता भाई। अरे मर गए रे, ये तो पक्का किसी भूत प्रेत का काम है, जमींदार के अंदर कोई भूत आ गया है,
इससे पहले कि ये हमारे अंदर आ जाए। मनोहर भाई, अपनी जान बचानी है तो भागो यहाँ से। ये क्या, अरे बाप रे बाप, मुझे तो भूतों से बड़ा डर लगता है, मैं तो चला यहाँ से। अगली सुबह इस घटना से पूरे गांव में दहशत फैल जाती है। सभी गांव वाले आपस में बात करने लगते हैं। अरे भाई, पता नहीं कहाँ से हमारे गांव में एक भूत आ गया है। उसने कल रात को सरपंच और जमींदार की खूब पिटाई की और उनके सारे पैसे भी लेकर चला गया। हाँ भाई हाँ, ये भूत तो मुझे बड़ा अजीब लगता है। मेरी समझ में नहीं आता कि भूत उन पैसों का करेगा क्या। अरे तेल में पकोड़े बना के तलेगा, बेवकूफ। इस बात की चिंता करके कहीं वो भूत हमारे घर में ना आ जाए। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो आर्या, मैं भी इसी बात से घबरा रहा हूँ। अच्छा, अब मैं अपने घर जा रहा हूँ, तुम सब भी अपने अपने घर चले जाओ, उस भूत का कोई भरोसा नहीं है। हाँ। तीनों वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ कालिया सारे पैसों को एक खंडर में छुपा देता है। इतने सारे रुपए तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में एक साथ कभी नहीं देखे। इस तरह कुछ दिनों में मैं अमीर बन जाऊंगा। आज मैं उस मोटे बप्पन को अपना शिकार बनाऊंगा। सुना है दहेज में बहुत सारे पैसे और गहने मिले हैं उसे। रात होते ही कालिया बब्बन के घर में घुस जाता है। हाँ, मिल गई तिजोरी, अब जल्दी से इसे खोलकर सारे पैसे निकाल लेता हूँ। अरे खुल जा खुल जा। खुल गई। कालिया पैसे थैले में भर ही रहा था कि तभी बब्बन उसके बगल में आकर खड़ा हो जाता है। भाई क्या कर रहा है? हाँ? अरे हट। अरे तेरी इतनी हिम्मत, मैं तेरे सामने खड़ा हूँ और तू फिर भी मेरी तिजोरी से पैसे चुरा रहा है। अरे मैं तो गायब हूँ, तू मुझे कैसे देख रहा है? कालिया अपनी घड़ी को देखता है। अरे इसे क्या हो गया है? हाय, लगता है बैटरी खत्म हो गई। अच्छा, तो आज मैं तेरी बैटरी अच्छे से चार्ज कर देता हूँ। अरे भाग्यवान, जरा मेरा डंडा तो लाना। ये मोटा मुझे नहीं छोड़ेगा। अरे भागो। कालिया भागकर घर के बाहर जाता है। बाहर सभी गांव वाले हाथ में डंडा लिए खड़े होते हैं। अच्छा, तो तू वो भूत है? मुझे माफ कर दीजिए सरपंच जी, मैं आपके और जमींदार जी के सारे पैसे लौटा दूंगा और आज ही हमेशा के लिए ये गांव छोड़कर चला जाऊंगा। शिक्षा, बुराई ज्यादा दिन की मेहमान नहीं होती, एक दिन उसका अंत हो ही जाता है। राजू बहुत ही खुश था। वो अपनी मम्मी के साथ पापा के पास शिमला जा रहा था, जिनका ट्रांसफर कुछ ही महीने पहले हुआ था। राजू खिड़की के बाहर का नजारा देखकर बहुत खुश था, इतना खुश कि पूछो मत। मम्मी, पापा हमें अचानक से देखकर कितने खुश होंगे ना? हाँ बेटा, बहुत खुश होंगे, लेकिन तुम कब से खिड़की के बाहर देख रहे हो? चलो जल्दी से ये नाश्ता कर लो, ताकि खाली पैकेट और ये कचरा मैं डस्टबिन में फेंक कर आऊँ। हाँ माँ, अभी खा लेता हूँ, ये लीजिए। माँ, क्या ये ट्रेन हमेशा ऐसे खाली रहती है? वो फर्स्ट कंपार्टमेंट में तो कोई भी नहीं है। नहीं बेटा, ट्रेन ऐसी खाली नहीं रहती, बरसात की वजह से ट्रेन खाली है। अच्छा तुम यहाँ पर बैठना, मैं अभी आती हूँ, कहीं मत जाना, ठीक है? नहीं माँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, यहाँ बस खिड़की के बाहर देखता रहूँगा। एक तो इतनी बरसात और यहाँ कितना अंधेरा भी है, फर्स्ट कंपार्टमेंट में तो कोई भी नहीं है, बहुत डरावना लग रहा है यहाँ पर। कुछ तो आवाज सुनी मैंने, घुंघरू जैसी आवाज थी। ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये घूम रहा है। क्या हुआ बहन जी, क्यों चिल्ला रही हैं आप? वाह देखिए, वो क्या है? हाय राम,
आज तो अमावस की रात है और जोरों की बारिश भी हो रही है। कहते हैं ऐसे में भूत बाहर निकलते हैं। हाय, अब क्या करें? बहन जी, आप अपनी जगह पर चली जाइए। अरे ये देखो, वो भूत फिर से बाहर निकला। अरे भागो, सब यहाँ से भाग जाओ, सब यहाँ से भाग लो। वो देखो नीचे नीचे घूम रहा है और घुंघरू की आवाज भी आ रही है। मम्मी, मम्मी क्या हुआ? मम्मी सब यहाँ क्यों आ गए? बेटा, वो जो फर्स्ट कंपार्टमेंट खाली है ना, वहाँ पर मुझे अभी भूत दिखाई दिया है और इन सबको भी दिखाई दिया है। एक बड़ा सा भूत है और घुंघरू की आवाज भी आ रही है और इसीलिए सब यहाँ आ गए। माँ, सच में भूत है यहाँ पर? हाँ, पर बेटा तुम डरना नहीं। हाँ, अगला स्टेशन आएगा तो हम उतर जाएंगे और पापा को वहीं से फोन करके बुला लेंगे। ठीक है, आओ मेरे बच्चे, आ जाओ। अगले स्टेशन तक जिंदा बचेंगे तब ना? हाय, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। मम्मी, पर क्या सच में भूत होते हैं? हाँ हाँ बेटा, होते हैं। घुंघरू वाले, लंबे लंबे बाल वाले, लाल लाल आँखों वाले, और अगर उनके बारे में बात भी करो ना तो उन्हें पता चल जाता है। बहन जी, आप इतने छोटे बच्चे के साथ अकेली हैं? क्या करूं, मेरे पति की शिमला में अभी अभी ट्रांसफर हुई है, इसलिए मैं अपने बेटे को लेकर वहीं जा रही हूं। मास्टर जी ने तो कहा था भूत भूत कुछ नहीं होता, वो हमारी कल्पना या फिर डर होता है, और तब हमें डरना नहीं चाहिए पर हिम्मत से उसमें से बाहर निकलकर सच्चाई का पता लगाना चाहिए। मम्मी का ध्यान भी नहीं है, मैं जाकर देखता हूँ कि सच में भूत है क्या। ये घुंघरू की आवाज तो आ रही है, बहुत डर लग रहा है। नहीं नहीं, मैं डरूंगा नहीं, मास्टर जी ने कहा था डरना नहीं है। ये क्या है? मम्मी जल्दी आओ। क्या हुआ बच्चे? मेरे लाडले, तुम यहाँ क्यों आ गए? राजू, मेरी कोई बात सुनते नहीं हो तुम? एक मिनट मम्मी, अंकल जरा नीचे देखिए ना। अरे नहीं नहीं, मरवाओगे क्या मुझे? अंकल देखिए तो। ये नीचे तो चूहा बैठा है। वही तो अंकल, ये एक चूहा था, किसी ने फूड पैकेट खाकर फेंक दिया था और उसकी बॉर्डर पर शायद ये घुंघरू भी लगे थे और वही सचिन रिबिन ये चूहे की पूंछ में अटक गई थी, तो चूहा उस बॉक्स के साथ घूम रहा था और अंधेरे में उसे ही आपने भूत समझ लिया। मम्मा, वो भूत नहीं है, डरिए मत। क्या हिम्मत वाला बच्चा है बहन जी, आपको फक्र होना चाहिए कि आप ऐसे बहादुर लड़के की माँ हैं। सच में, हाय राम। बेटा इधर आ, इधर आ मेरे लाडले। राजू, फिर से कभी ऐसे अकेले मत जाना, ठीक है? आ जाओ यहाँ पर। शिक्षा, सुनी सुनाई अंधश्रद्धा वाली बातों पर हमें भरोसा नहीं करना चाहिए।